दिल्ली फिर से धुंध की चपेट में, जिसके कारण कुछ स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया, क्योंकि AQI हाई 640 अंक है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली नंबर एक पर है और केजरीवाल क्लीन दिल्ली का नारा लगाते रहते हैं। दिल्ली भारत की हलचल भरी राजधानी स्मॉग के खतरे से अनजान नहीं है, जो शहर को अपनी चपेट में ले लेता है, जिससे इसके निवासियों को ताजी हवा के लिए हांफना पड़ता है। दिल्ली प्रशासन वर्षों से इस समस्या से जूझ रहा है और प्रभावी समाधान खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर सख्त रुख अपना लिया है। हाल ही के एक घटनाक्रम में दिल्ली उच्च न्यायालय ने वन विभाग को एक स्पष्ट संदेश दिया, वे राजधानी में हवा की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार है और इस महत्वपूर्ण मुद्दे से निपटने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने एक मामले की अध्यक्षता की, जो दिल्ली में एक वैकल्पिक वन की स्थापना और वन विभाग के भीतर रिक्त पदों को भरने की तत्काल आवश्यकता से संबंधित था। एक सख्त बयान में उन्होंने टिप्पणी की, प्रदूषित हवा में सांस लेने के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में शहर के बच्चे अस्थमा से पीड़ित हो रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने रिज क्षेत्र में होने वाले अतिक्रमणों के बारे में चिंता जताई, जिसे राष्ट्रीय राजधानी का फेफड़ा माना जाता है, जो सरकारी अधिकारियों की नाक के ठीक नीचे हो रहा है। वन विभाग के प्रमुख सचिव को संबोधित करते हुए अदालत ने इन रिक्तियों को भरने की तात्कालिकता पर जोर दिया और उनसे युद्ध स्तर पर ऐसा करने का आग्रह किया। संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, वन विभाग यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI में सुधार हो और उन्हें यह दायित्व पूरा करना होगा। कोर्ट ने दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर गहरी चिंता जताई है। इसने इस तथ्य पर अफसोस जताया कि बच्चों को सांस लेने में समस्या हो रही थी और दिसंबर और जनवरी के सर्दियों के महीनों के दौरान लोगों को कहीं और स्वच्छ हवा की तलाश में शहर छोड़ना पड़ा। सर्दियों के मौसम के दौरान यह पलायन, जो शहर का आनंद लेने का एक आदर्श समय होना चाहिए, वायु गुणवत्ता के मुद्दे की गंभीरता का एक मार्मिक प्रतिबंध है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मौलिक सिद्धांत पर जोर दिया, दिल्ली के निवासियों को स्वच्छ हवा में सांस लेने का अंतर्निहित अधिकार है और इस अधिकार को सुरक्षित करने के लिए हरियाली की उपस्थिति एक आवश्यक तत्व है। संक्षेप में, हरित स्थान वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम करने और दिल्ली के निवासियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अदालत का कड़ा रुख स्थिति की गंभीरता और शहर के निवासियों की भलाई के लिए संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने में उसके दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। दिल्ली में प्रदूषण का संकट चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है और इसका यहां के निवासियों, विशेषकर बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अदालत का संदेश सिर्फ एक कानूनी निर्देश नहीं है, बल्कि स्वच्छ हवा में सांस लेने के लोगों के बुनियादी अधिकार की रक्षा के लिए कार्रवाई का आह्वान है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।